लो, अगर सामने से दिग्विजय ने भी तुम्हें ये कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करोगी तुम? उर्मिला, मैं जानता हूं कि मैं तुम सबकी नजरों में गलत हूं, लेकिन मैं चाह कर भी अपने आप को सुधार नहीं सकता। उर्मिला, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, मैं आज तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाता आया हूं और आगे भी निभाऊंगा। अमोली को छोड़कर उसे अपने साथ लेकर, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये सब मेरे बारे में गलत कहेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कोई बात नहीं। इन उठी उंगलियों को तोड़ना मैं जानता हूं, कि फूलती जबानों को बंद करना मुझे अच्छे से आता है। अरे पैसे और जमीन के ढेर लगा दूं उनके सामने, सबकी फूलती बंद हो जाएगी, यहां तक कि चंद्रा के ससुराल वालों की भी। अमोली के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता मैं। तुम चाहते हो कि मैं उससे रिश्ता तोड़, एक पत्नी होने के नाते शायद तुम्हारी ये मांग जायज भी, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अमोली से रिश्ता तोड़ दूंगा, मेरा मेरी सांसों से बना हुआ रिश्ता भी टूट जाए, पर क्या तुम अपने पति के रूप में जिंदा लाश को तुम्हारे साथ होना बर्दाश्त कर पाओगे? उर्मिला, उर्मिला 10 साल गुजारे हमने एक साथ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले किया करता था, लेकिन अब जब भी अमोली मेरे सामने आती है मैं सब कुछ भूल जाता हूं, अरे आसपास की दुनिया भूल जाता हूं मैं, यहां तक कि मैं तुम्हें भी भूल जाता हूं। अमोली मेरी जिंदगी में आई हुई पहली लड़की नहीं है, लेकिन पता नहीं उसमें से क्या बात तो मुझे अपनी ओर खींच लेती, फिर मैं वो सारी गलतियां कर बैठता हूं जो मैंने कभी नहीं की। अब देखो, पहले तो मैं उसे इस हवेली में ले आया, अब फिर तो तुम्हें जाने से भी नहीं रोक रहा हूं, कितनी बड़ी गलती, फिर मैं क्या करूं? मिला ये गलती कर बैठने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। उस कल की आई हुई लड़की के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, घर से जाने का फैसला तुम्हारा है, मैं तो अभी ये चाहता हूं कि तुम यहीं रुको, मेरी उस चाहत के साथ मुझे स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें तैयार नहीं हो ना? मैं अपनी चाहत के साथ समझौता नहीं कर सकता उर्मिला, और तुम मेरी चाहत को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। अब तुम्हारे जाने के अलावा और कौन सा रास्ता बचा है? समझो, एक तो मैं मर्द ऊपर से ठाकुर, ऐसी चीजें होना स्वाभाविक, और अब तो अमोली को पाना मेरी इज्जत का सवाल बन चुका है, नहीं पाऊंगा तो ठाकुरों में मेरी नाक कट जाएगी, एक मामूली सी लड़की से शिकस्त कैसे खा सकता हूं? फिर तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा, अरे तुम भी तो अपने पति को जीतता हुआ देखना चाहती हो, है ना? और वही तो मैं कर रहा हूं, अपने जुनून, अपने पागलपन को अंजाम दे रहा हूं, शायद मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अमोली को भूल नहीं सकता, उर्मिला, मैं अमोली को भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता। आपको इस बात का एहसास है कि आप ये सब अपनी पत्नी के सामने कह रहे हैं? वो
थी, जिसके साथ आपने 7 जन्मों तक वफादार रहने की कसमें खाई थी। जरा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही आपको मुझे ये कहते हुए कि आप किस और लड़की के प्यार में पागल हुए जा रहे हैं? तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। मैं बोली के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जान दे देगी और मैं उसे मरते हुए नहीं दे सकता।